हेलो बच्चे, आज हम लेके आया है आप लोग के लिए एक क्लास 10 का मैथमेटिक्स का नया चैप्टर 3। वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी देखिए, यह हमें क्या बोल दिया, ये लीनियर इक्वेशन पेयर में होना पड़ेगा और उसमें दो वेरिएबल होना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल क्या क्या है? ये वेरिएबल क्या चीज़ है? ये वेरिएबल मतलब हम लोग को जब क्या होता है, जो टर्म्स बनता है एल्जेब्रिक में, जो टर्म्स बनता है वो टर्म्स किस किस से बनता है? एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल से टर्म्स बनता है। कांस्टेंट वाला क्या है? वो आपका न्यूमेरिकल रियल नंबर होता है। जैसे ये आपका टर्म्स है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, 5y। तो ये एक टर्म्स कैसे बनता है? ये आपस में एक न्यूमर के रियल नंबर्स और क्या एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है आपस में होके जो बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये आपका टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टर्म्स हो गया। अभी ये टर्म्स से हम लोग को क्या है, ये आपका इक्वेशन कैसे बनते हैं? ये आपका रियल नंबर और ये वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक्स वाई जेड ये जो लेटरल फिगर है, इसका तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। कोई कोई कंडीशन में, डिफरेंस डिफरेंस कंडीशन में क्या इसका वैल्यू डिफरेंस निकल जाता है, और कौन सा कंडीशन में क्या निकलेगा इससे देख के तो किसी को पता भी नहीं चलता। ये क्या है, ये एक्स का कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब ये वेरी है, चेंज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये वेरिएबल है। और ये सब वेरिएबल और ये न्यूमेरिकल फिगर मिलके रियल नंबर प्रोडक्ट में आपस में क्या बनता है, ये टर्म्स बनता है। फिर कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको हम लोग जैसे बीजगणित, हम लोग उसको जब हम लोग क्या कहते करते हैं, जे वो एल्जेब्रिकली जब एक्सप्रेस करता है तो उसको क्या कहता है, एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेस किसे करता है, ये रियल नंबर्स और ये वेरिएबल से उसका एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसलिए वो क्या बनता है, वो एक्सप्रेशन बनता है। तो ये जो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन जब इक्वल साइन से वो रखा जाता है, इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड बीच में क्या होता है, इक्वल साइन पुट होता है। इक्वल साइन जब बैठता है तब तो उसको क्या कहता है, वो इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए ये 2x+2 और एक x-5, ये एक तो एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन। बीच में क्या डाल दिया, ये आपका जीरो डाल, बीच में क्या डालता है, ये इक्वल साइन डाल दिया, मतलब ये आपका क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ये आपका क्या, इक्वेशन बन गया। और ये जब मान लीजिए ये आपका 2x+2 और ये हमें क्या था, x-5, इसमें जब ये ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन इससे पुट किया जाता है, ये साइन जब आ जाता है तो इसका इक्वेशन नहीं, इसका इनइक्वालिटीज बोलता है। क्या इनइक्वालिटी बोलता है, मतलब ये आपका है अभी इक्वेशन, और ये जो एक्सप्रेशन इसका, ये क्या, ये आपका जीरो का भी बराबर हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो अब यह इक्वेशन है। मान लीजिए 2x+2 = 0, ये आपका बन गया इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ही बन गया, ये कौन सा इक्वेशन बन गया ये मालूम कीजिए। यहाँ में देखिए ये 2 है, ये x है, +2 ये 0 है, ये वेरिएबल कितना है, यहाँ में एक ही वेरिएबल है, मतलब ये क्या है, वन वेरिएबल का इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का ये डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ में एक है, दो है, चार है, क्या है? ये जो डिग्री है ऊपर में रहता है, ऊपर में तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये डिग्री वन है। ये जब डिग्री वन रहता है तब तो इसको क्या कहते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है।
और ये कौन सा लीनियर इक्वेशन बन गया, ये बन गया आपका ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, जैसे आपका y प्लस फाइव इजिकल जीरो, ये भी आपका क्या वन वेरिएबल का इक्वेशन है। तब ये जो टू वेरिएबल का इक्वेशन हम लोग को अभी निकालना है, वो भी पेयर में। अभी देखिए टू वेरिएबल का मतलब यह में वेरिएबल x, y, ऐसा z, ये सब क्या होता है वेरिएबल होता है। मान लीजिए हम लोग ये ले लिया ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, ये आपका एक इक्वेशन है। मान लीजिए एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस सेवन इजिकल जीरो, ये भी एक इक्वेशन है। यह में कितना वेरिएबल है, यह में देखिए ये x और y दो वेरिएबल है और यह में x y दो वेरिएबल है, इसका पावर कितना है वन, इसका भी कितना है वन है, तो ये क्या है लीनियर बन गया। और कितना वेरिएबल का, दो वेरिएबल का, इसमें पावर कितना वन, इसका वन है, ये भी पावर वन वन है, तो ये भी क्या लीनियर इक्वेशन बन गया। कितना सारा वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो ये बन गया आपका टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। आपका ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई प्लस वन इजिकल जीरो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई इजिकल टू जीरो, ये दोनों वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा क्या नहीं। देखिए यह में जो वेरिएबल एक्स वाई ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है। अब कितना वेरिएबल है, एक दो दो वेरिएबल है, ये भी ठीक है। लेकिन जो एक्स का जो डिग्री है वो कितना दिखाई दे रहा है, एक्स का डिग्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे टू दिखाई दे रहा है। टू मतलब ये आपका लीनियर नहीं हो सकता, ये कितना होना पड़ेगा, मैक्सिमम वन होना पड़ेगा, वन ही होना पड़ेगा, वन से कम होने से भी नहीं चलेगा। तब ये आपका ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये तो एक्स है, यहाँ पे ट्वाइस एक्स वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ में x का पावर वन, y का पावर वन, वन वन, ये क्या है, ये होंगे, ये भी नहीं होंगे। क्यों, जो दोनों वेरिएबल एक की जगह में क्या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में रहा, एक ही जगह में एक साथ में है, लेकिन हमारा क्या ये जो एक्सप्रेशन ये जो इक्वेशन इसमें दोनों वेरिएबल क्या प्लस या माइनस साइन में होना पड़ेगा। ये आपका ये भी आपका क्या नहीं हो सकता, ये लीनियर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं। तो ये हिसाब से हम लोग क्या कर सकता है, जो लीनियर इक्वेशन हम लोग लिख सकता है। अभी देखिए हम लोग को जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन जो पेयर है वो हम लोग बनाएंगे और उसको उसका हम लोग क्या लिखेंगे, अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई तो रहना ही पड़ेगा, यह में ए एक्स मान लिख लिया, यह में बी वाई, यह में सी इक्वल टू जीरो, और एक लिखना तो ये मान लीजिए ये जेड है, ये एम है, बी एन प्लस डी इजिकल टू जीरो, ये आपका लीनियर इक्वेशन ये होंगे क्या नहीं। ये दोनों तो लीनियर इक्वेशन होंगे क्योंकि यह में एक्स का पावर वन है, वाई का वन है, दो वेरिएबल है, यह में एम वेरिएबल एन वेरिएबल ये दो है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे क्या नहीं, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे। क्यों, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है लेकिन पेयर में नहीं है। क्यों, आप देखिए यह में तो वेरिएबल एक्स है, वाई है, यह में एम है और एन है, तो ये वेरिएबल भी ये और ये दोनों में क्या होना पड़ेगा, वो सेम होना पड़ेगा, एक ही रहना पड़ेगा, तब तो ये लीनियर पेयर में होंगे। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल लेकिन ये पेयर का नहीं है,
या किस चीज का पैर है। जैसे आप मान लीजिए एक शूज ले लिया, जूते ले लिया और एक चप्पल ले लिया, ये दोनों को दे दिया, ये पैर बना के ये चलेगा क्या, बोलिए? ये तो नहीं नहीं चलेगा। जूते जूते के साथ होना पड़ेगा, है ना, और चप्पल चप्पल का जो जुड़ी होना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ये पैर में नहीं होंगे, ये लीनियर इक्वेशन होंगे। तो क्या होना पड़ेगा, तब आप ए भी क्या होना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई सी इजिकल टू जीरो। ये देखिए, ये और ये में कोई फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है। मतलब ये क्या है, ये क्या है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो आपको ऐसा लगेगा ये दोनों तो एक ही इक्वेशन है, लेकिन एक ही तो नहीं रहेगा ना। ये और ये दोनों एक ही है क्या? एक ही फॉर्म में है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये वैल्यू तो दोनों इक्वेशन का सेम नहीं है। तो ये हम लोग को ये समझाने के लिए हम लोग क्या करता है, जो एक्स का ये वेरिएबल एक्स का कोफिशियंट ए है, उसे ए वन बिठाता है, ए बी वन और ये इक्वेशन का सी वन, और यह हमें ए टू, मान लीजिए ए बी टू और ये सी टू। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये दोनों लीनियर फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स का इक्वेशन का ये कंडीशन है। यहाँ में क्या कंडीशन है देख लीजिए, ये जो ए वन है यहाँ में ए वन नॉट इक्वल टू जीरो और बी वन नॉट इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा। और दूसरा में क्या है, ए टू नॉट इक्वल टू जीरो और बी टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी होना ही पड़ेगा। क्यों, ये सब क्या है, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा। और एक बात है, ये पूरा ही पूरा ए वन बी वन ए टू बी टू पूरा ही ये सब क्या रियल नंबर भी होना पड़ेगा, कोई इमेजिनरी नंबर होने से नहीं चलेगा। ये क्या होगा, दो कंडीशन है, एक कंडीशन में ए वन नॉट इक्वल टू जीरो, बी वन नॉट इक्वल टू जीरो, ए टू नॉट इक्वल टू जीरो, बी टू नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या है, ये सब का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, आपका ये रियल नंबर में होना पड़ेगा, रियल नंबर ही होंगे। तो अब ये लीनियर पेयर ऑफ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये ए वन आपका जीरो दे ही दिया, तब ये जीरो दे दिया तो ये क्या होगा, जीरो इंटू एक्स, मतलब ये क्या जीरो है, जीरो प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो। ये जीरो मतलब ये कुछ नहीं है, मान लीजिए तो क्या होंगे, ये बी वन प्लस सी वन इजिकल टू जीरो बन गया। मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कितना हो गया, अभी एक ही वेरिएबल बच गया। मतलब ये जीरो होने से क्या, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तब वेरिएबल एक रहेगा, तब तो वो टू वेरिएबल नहीं बोल सकता। ये बी वन जीरो होंगे होने से क्या, ये जीरो बनेगा, ये तो ये रहेगा, मतलब ये एक ही वेरिएबल है, तब भी टू वेरिएबल का नहीं बोल सकते। ये टू होने से भी ये एक ही है, ये जीरो हो जाएगा तो ये टू वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल ही एक जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये कंडीशन है को भी आप लोग ना बिठाइए, क्या जो ए वन इजिकल जीरो बी वन इजिकल टू जीरो, ये आपको क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या कंडीशन में ये लीनियर इक्वेशन बनता है, और ये ए टू नॉट इक्वल टू जीरो बी टू नॉट इक्वल टू जीरो, कभी आप लोग नहीं बिठाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या लीनियर इक्वेशन का, और ये आप ए वन बी वन ए टू बी टू क्या बिठाएंगे, हम लोग हमेशा ये रियल नंबर ही बिठाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होंगे, ये लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल का लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। और क्या है, अभी हम लोग को इसका ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ का है, तब क्या होता है, जब वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का होता है,
तो वो ग्राफ आप हमेशा देखिए, ऐसा ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस और ये क्या एक्स एक्सिस, ये वाई वाई डैश, ये ओरिजिन, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो ये जो वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई भी एक एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करता है। कितना एक्सिस को, एक ही एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा। चाहे आप ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता, नहीं तो आपका ऐसा भी हो सकता, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स को ही करेगा, इधर जाएगा तो ये वाई एक्सिस को करेंगे, ये एक्स एक्सिस को नहीं करेंगे, पैरेलल है। तो इसे जो ग्राफ बनता है तो वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का होता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का ग्राफ ऐसा बनता है। एग्जाम में ऐसा एक ग्राफ देके बोल सकता है, पूछ सकता है, जे सवाल हो सकता है जे ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, ऐसा हो सकता है। और मान लीजिए ये तो वन वेरिएबल का समझ गया है, अभी क्या टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तब क्या वो ग्राफ ऐसे बनेंगे जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के काट करके जाएंगे, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं में। तो ऐसा भी हो सकते, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, जे ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये दोनों एक्सिस को क्या वो टच करके काट करके क्या वो चला जाएंगे। तब हम लोग वो इसको क्या कहेंगे, वो है आपका टू वेरिएबल का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका था टू वेरिएबल का ए पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे जे एक्सरसाइज में क्या क्या लाया है। एक्सरसाइज में मान लीजिए एक्सरसाइज 3.1 में पहले कंडीशन एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, जे रोहिम टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times old as you will be. क्या बोला वो रहीम ने, इसे कहा वो उसका लड़की से, ये 7 years ago पहले क्या था, हम तुमसे 7 times ज़्यादा एज में था, और क्या अभी जितना एज है अभी से और 2-3 साल बाद में, 3 years बाद में क्या होंगे, मैं तुमसे 3 times ज़्यादा उम्र में होंगे, 3 times का उम्र में होंगे, ये कहा। अभी देखिए ये मान लीजिए ये रोहिम का अभी क्या है 30 years है, तो 7 years पहले कितना था, 7 years पहले कितना था, तो 30 minus 7 है क्या, नहीं। मान लीजिए ये रहीम का अब 40 है, तो 7 years पहले कितना था, 40 minus 7 है। मान लीजिए ये 45 है, तो 45 minus 7 है, मतलब अभी जितना एज है तो 7 years पहले वो क्या होंगे, उसका एज वो 7 ही माइनस होंगे। कोई भी आदमी का प्रेजेंट एज जो जितना है वो पहले का एज निकालने से, जितना साल पहले है उसको माइनस कर डालना है मैथमेटिकली, तो वो निकाल ही जाएंगे। तो अब ये होंगे आपका 33, ये होंगे 23, ये होंगे आपका 7, निकलेगा 38। मतलब अब हम लोग को वो 40 है, 45, 30, 50 कुछ तो पता नहीं है। तब हम लोग मान लेता है वो पहले अभी का एज है क्या, प्रेजेंट एज है एक्स, तब 7 साल पहले कितना होंगे, एक्स माइनस 7 होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए वो डॉटर का अभी क्या है, वाई है, 7 साल पहले कितना होंगे, वाई माइनस 7 होंगे। तो यही तो बात है, तो इसलिए हम लोग यहाँ में इसे लिखता है लेट, मान लेता है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम
बी एक्स ईयर्स और द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर डॉटर बी वाई ईयर। ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन क्या है, 7 साल पहले ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल का पहले वो फादर का रहीम का एज क्या था, एक्स माइनस सेवन और वो डॉटर का क्या था, वाई माइनस सेवन। अभी क्या बिठाया यहाँ में, एक्स माइनस सेवन बराबर वाई माइनस सेवन, ये सही है क्या? ऐसा तो नहीं कहा जो ये दोनों बराबर था, हो भी नहीं सकता। तो क्या कहा जो इसका एज इसका सेवन टाइम्स है, सेवन टाइम्स मतलब ये सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए। अभी देखिए ये x माइनस सेवन, सेवन इंटू वाई, सेवन वाई माइनस सेवन सेवन जै 49। अभी देखिए ये x माइनस सेवन वाई माइनस सेवन प्लस 49। ये देखिए ये x माइनस सेवन वाई माइनस सेवन प्लस 49 मतलब 49 से सेवन चला जाएगा तो ये 42 इक्वल 0। ये रहा आपका एल्जेब्रिकली एक नंबर में। दो नंबर का अगेन 3 साल बाद में, मान लीजिए अभी एज क्या है 10 है, 3 साल बाद में क्या है, क्या होंगे 10 प्लस 3, अभी एक्स है तो एक्स प्लस थ्री ये रोहिम का और ये क्या है बेटी का क्या है वाई प्लस 3 है। तो ये इसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स 3 लगा दीजिए, ये एक्स प्लस 3 है, ये थ्राइस वाई, 3 3 9 है। अभी एक्स माइनस थ्राइस वाई प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल 0। ये रहा आपका एक्स माइनस थ्राइस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0। ये आपका एल्जेब्रिकल ये दो नंबर का है। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेस एज द एल्जेब्रिकली ये हो गया है। अभी इसका ग्राफिकली भी एक्सप्रेशन करना है, कैसे ग्राफिकली। तो अभी इसका और डब्बा बनाइए, इसका ये दोनों का डब्बा बना दीजिए। ये क्या था, यह मैं लिखता है, ये था एक्स माइनस सेवन वाई वन नंबर, एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 42 इज इक्वल 0 मतलब माइनस सेवन वाई, ये माइनस सेवन वाई, ये वाई का हमेशा क्या ग्राफ करने के लिए लेफ्ट साइड में बिठाना पड़ता है, माइनस एक्स माइनस 42 माइनस से डिवाइड करें तो 7y x प्लस 42 और ये x प्लस 42 बाई 7। ये डब्बा में क्या करना, कम से कम 3 वैल्यू निकालना है x और y का, मिनिमम 3। तो मान लीजिए यहाँ में हम लोग क्या बिठाएंगे, यहाँ में 7 बिठा दिया, ये x है y में x में 7 बिठाया, 7 तो 7 प्लस 42 क्या होंगे, तब होंगे ये 49 को 7 से डिवाइड होंगे तो 7। मान लीजिए ये 0 बिठाया तो 0 प्लस 42 को 0 प्लस 42 को 7 से डिवाइड होंगे तो 6। मान लीजिए यहाँ में माइनस सेवन प्लस 42 क्या होंगे, ये 35 को 7 से क्या होंगे, ये 5। फिर इसके डब्बा बनाइए, ये होंगे आपका माइनस थ्राइस वाई माइनस एक्स, ये प्लस 6,
ये प्लस थ्राइस वाई, तो अब ये एक्स माइनस सिक्स, वाई इजुकेल एक्स माइनस सिक्स और ए रहा थ्री, ठीक है। इसके बनाइए एक्स वाई, ये हमें जीरो बिठाइए एक्स, जीरो माइनस सिक्स, माइनस सिक्स को थ्री से डिवाइड करने से क्या होंगे माइनस टू, यह में सिक्स बिठाएंगे, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, जीरो को थ्री से जीरो, और यह में थ्री, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री बाई थ्री माइनस वन। अब इसको ग्राफ में बिठाइए, ये आपको दिए होंगे ग्राफ में, ये y, y डैश, ये रहा x, x डैश, ये ओरिजिन है। तो ये क्या है, सेवन सेवन, x का सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये x का सेवन, ये x एक्सिस में चलेगा राइट साइड में, y सेवन प्लस ऊपर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, या इसका ऊपर, ये सेवन का ऊपर, फिर जीरो सिक्स, जीरो x का सिक्स, वन y सिक्स ऊपर में प्लस वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स, ठीक है। और माइनस सेवन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, मान लीजिए ये है, ये आपका ये रहा आपका ऐसे, ये आपका तीनों पॉइंट से ये चला जाना पड़ेगा, ये था आपका क्या, जो माइनस सेवन फाइव, ये रहा जीरो सिक्स, ये रहा आपका सेवन सेवन, ठीक है। और नेक्स्ट जीरो माइनस टू, जीरो वाई का माइनस टू नीचे, ये वाला जीरो माइनस टू, और सिक्स जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जीरो सिक्स, ये ऐसा एक्सिस को काटेंगे ये, फिर थ्री माइनस वन, वन टू थ्री वन माइनस वन, थ्री माइनस, इसे आप ऐसे जाएंगे, ये आपका दोनों एक्सिस से काट दिया, मतलब ये टू वेरिएबल का, ये भी काटेंगे इसे, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर टू, टू में क्या कहा, तुम्हें कहा द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइस थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज 3900, लेटर द बाइस अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। क्या कहा, एक कोच था क्रिकेट का, आप लोग क्रिकेट खेलने में आप लोग को अच्छा लगता है, तो वो क्रिकेट खेलने का जो कोच है वो क्या 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 पहले वो उसने आपको थ्री बैट और सिक्स बॉल कितना में लाया, वो 3900 में। नेक्स्ट फिर वही कोच ने गया कितना दिन लेटर, ही बाइस एक बैट और तीन बॉल लाने गया, तो आपको कितना में आया उस टाइम, वो 1300 में आया। तो बैट और बॉल ये दोनों का ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिकली और वो ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली दिखाना पड़ता है पड़ेगा। मान लीजिए एक बैट का वैल्यू आपका 500 है, तो दो बैट लाया तो क्या है 2 into 500,
है क्या नहीं? फाइव बैट लाएगा तो फाइव इंटू 500, मतलब जितना वो कॉस्ट है, रेट है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, वो जितना क्वांटिटी है, जितना आप लेंगे उससे मल्टीप्लाई करके उसको पेड करना पड़ेगा, वही होगा आपका अमाउंट। तो हम लोग ये बेट का ये एक्स मान लेगा तो टू, दो बेट होगा तो 2x, फाइव बेट होगा तो 5x, और बॉल का वाई मान लिया तो 5 होंगे तो 5y, ठीक है। तो इसलिए लेट द कॉस्ट ऑफ इट्स बैट बी एक्स, रुपीज एक्स, और द कॉस्ट ऑफ इट्स बॉल बी रुपीज वाई मान ले। तो पहले कितना लिया था? पहले लिया था 3 bats and 6 balls, 3 bats अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बैट का एक्स है, 3 bats thrice x, और 6 balls 6y, टोटल कितना दिया 3900। ये तो आपका टू वेरिएबल का इक्वेशन ही बन गया। तो ये आपका सिंपल कर सकता है आप, ये सिंपल होने वाले है, है ना? ये सिंपल कर, ये आप क्या कर सकता है, ये सिंपल कर सकता है, मतलब 3 से डिवाइड होंगे तो x, इसको भी कीजिए 2y, ये भी कीजिए 1 3 0 0, ये रहा आपका एक का, ये डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड, ठीक है। फिर दोबारा ये दोबारा गया, अगेन कितना बैट लाया, एक ही बैट, तो एक ही बैट का कितना मान लिया x, तो x है। फिर बॉल कितना लाया, कितना बॉल, एक ही बैट एंड 3 more balls, 3, तो 3 thrice y, अभी दिया इसमें भी 1300 दे दिया। ये आपका एलजेब्रिक के लिए ये आपका एक्सप्रेशन हो चुका है। अभी ज्योमेट्रिकली करना, तो इससे एक नंबर से कर लीजिए, एक नंबर से कीजिए, तो ये क्या होंगे यहाँ में, मतलब ट्वाइस वाई प्लस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 1300, मतलब ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, मतलब वाई इज इक्वल 1300 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, थ्राइस वाई 1300 माइनस एक्स, ये आएगा वाई इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बाय 3। तो इसका भी डब्बा बनाए, उसका भी बनाए, यह हम लोग ये अभी 100 में आ गया है, 1300 और 2 से भी डिवाइड है, तो इससे हम 100 दे दिया तो एक से 100 बिठाएगा तो 1300 माइनस 100 1200 को 2 से डिवाइड होगा तो 600। ये हम लोग 300 बिठाएंगे तो ये 1000 के 2 से ये 500, और ये हम लोग को 700 बिठाएंगे तो 600 2 से ये 300 हो गया। फिर इसमें मान लीजिए यह हमें 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 100 होंगे तब क्या होंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 400, ये 400 देंगे 400, तो ये 900, मतलब ये 300, और ये रहा 700 देने से 600, ये होंगे 200। अभी इसका एलजेब्रा के लिए बिठाना है, किस में, ग्राफ में, अभी देखिए
इसे बना लीजिए। ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है। तो पहले वाला क्या था, अभी देखिए यह में 100, यह में तो 100 है ही नहीं, कभी 1000 भी हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ता है, ये जो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर है इसको माना जाता है। मान लीजिए यहाँ में हम लोग क्या 100 ले लेंगे, तो अब 100 के लिए एक ही जाएगा और 600 1 2 3 4 5 6 ये मान लीजिए, यह है 100 एंड 600। फिर 300 500 1 2 300 500 1 2 3 4 5 ये 300 ये 500। उसके बाद ये 700 300 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 700 300, ठीक है। ये आपको लाइन खींचिए, ये रहा। फिर दूसरा 100 400 100 400 1 2 3 4 100 400, फिर 400 300 1 2 3 400 1 2 300, फिर 700 200 1 2 3 4 5 6 7 1 2 200, ये यानी ऐसे आप खींच दीजिए, ये भी आपका लाइन होंगे, है क्या नहीं, ये आपका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। समझ में आ गया होंगे आप लोग का। फिर देखिए लास्ट में क्या कहा, थ्री में द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद में गया तो द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, देखिए तो अभी एप्पल्स एंड ग्रेप्स दिया हुआ है। मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपीस वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, पहले कितना केजी एप्पल्स ने लिया था, 2 kg और 1 kg ग्रेप्स, मतलब 2 kg ग्रेप्स एप्पल्स में ट्वाइस एक्स, 1 kg ग्रेप्स में 1y, और टोटल ये ग्रेप्स का कॉस्ट, ये आपका एप्पल्स का कॉस्ट, ये ग्रेप्स का कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 160, मतलब 160 ये एल्जेब्रा के लिए हो चुका है। फिर कितना, जो 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, कितना लिया, 4 kg का 4x 2 kg का 2y और दे दिया है हमें 300। तो इसको शॉर्ट में लाए ट्वाइस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 150, ठीक है। तो अभी ये तो एल्जेब्रिकली हो चुका है, अभी क्या ग्राफिकली करना है। ये एक नंबर में क्या था, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 160, मतलब वाई इजिकल टू क्या है 160 माइनस ट्वाइस एक्स, तो इसका डब्बा यहाँ में है। और ये दो ट्वाइस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 150, मतलब वाई इजिकल टू 150 माइनस ट्वाइस एक्स, अभी देखिए इसमें ट्वाइस एक्स 160 माइनस ट्वाइस एक्स, तो ये इसमें 40 डाल दिया, 42 जाए कितना है 80, 160 से 80 जाएंगे तो ये एक्स वाई,
ये 160 और ये 80 माइनस, तो क्या रहेगा 80, ये 60 डाल दीजिए, 62 जा क्या 120, 160 से 120 जाएंगे तो 40, और यहाँ में हम लोग 100 दे दिया है, तो 100 माइनस 200 प्लस 160 मतलब माइनस 40 आएगा। फिर यहाँ में इसे 30 डाल दिया, 32 जा 60 माइनस 150 माइनस 60 150 माइनस क्या है 30 60 मतलब ये 90, ये 50 डाल दिया 100 मतलब ये 50, और ये 100 डाल दिया 100 टू जा 250 ये रहा। अब इसके क्या करना वो ग्राफ में दिखाना है, ग्राफ में दिखाई मतलब ये क्या है 40 है, मान लीजिए ये एक स्मॉल स्केल 20-20 मान लीजिए, तो ये 40 है तो 2 लाइन जाएगा, और ये 80 है तो 4 1 2 3 4, और ये 63 1 2 3, और 42 1 2, और ये 100 5 1 2 3 4 5, और माइनस 40 1 2, 100 माइनस 40, तो ये आपका क्या होंगे ऐसा होंगे, ठीक है। और 30 मतलब 1/2, 90 मतलब 4/2, 1 2 3 4/2, ये है। ये आपका 50 1 2/2 1 2/2, ये, और ये 150, ये 1 2 3 4 5 50 1 2/2, मतलब क्या है ये आपका आएंगे ऐसा, मतलब ये दोनों ऐसा, दोनों लाइन को ऐसा टच करेंगे, और टू वेरिएबल का था। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, आप लोग को समझ में होंगे, ठीक है, धन्यवाद।